बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड चैप्टर एंड लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन द लास्ट टू लेक्चर्स वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1, और अगर आप में से किसी के वो लेक्चर मिस हो गए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर 8th कंप्यूटर के नाम से भी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ऑलराइट जी, शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी से मुराद हिफाजत करना होता है, किसी चीज को महफूज रखना, कोई भी जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है उससे उसकी प्रोटेक्शन करना। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट से मुराद, कंप्यूटर की सिक्योरिटी से मुराद ऐसी सिक्योरिटी है जिससे हम कंप्यूटर को ऐसे लोगों से बचा सकें जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी प्राइवेट डाटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें खराब कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। ऐसे लोगों से कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन डाटा को बचाना कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं होगा कि आप कंप्यूटर को बच्चों से या जानवरों से बचा रहे हैं या चोरों से बचा रहे हैं, कि अगर हम इस लिहाज से कंप्यूटर की सिक्योरिटी एज ए फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर की सिक्योरिटी को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके अंदर मौजूद डाटा इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की बात करेंगे। आगे चलते हैं जी। सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल डाटा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस। कि आपने डाटा इंफॉर्मेशन को महफूज रखना है, किससे महफूज रखना है? ऐसे लोगों से जिनको इसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, ठीक है जी। ऐसे लोगों को आप हैकर्स भी कह सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ हैकर अटैक्स, डाटा करप्शन बाय हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स एंड थेफ्ट। जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आपके डाटा को, आपके सिस्टम के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को छीन सकते हैं, चुरा सकते हैं, डायरेक्टली भी एक्सेस करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अ थ्रेट अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट कैन बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल रिस्क टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो ऐसा कोई भी खतरा, थ्रेट से मुराद क्या है, जिससे आपको खतरा होता है उसको थ्रेट कहा जाता है। वैसे थ्रेट धमकी को भी कहते हैं। तो ऐसी कोई भी धमकी, ऐसा कोई भी खतरा जो के जिसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा और इन्फॉर्मेशन को नुकसान पहुंच सकता है, इस तरह के थ्रेट को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे जी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। Threats are the possible ways in which the vulnerability of the computer security system can be exploited by the malignant users or software. Following are some common computer security threats. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी खदशा, कोई भी ऐसा खौफ, कोई भी ऐसा डर, कोई भी ऐसा तरीकेकार जिसके जरिए आपके कंप्यूटर की डाटा इन्फॉर्मेशन को नुकसान पहुंच सकता है, वो कौन कौन से हैं, और उसको अब हम डिस्कस करेंगे। उन थ्रेट्स को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और उनको चार नाम दे रखे हैं, जिनके अंदर जो के हैं वायरस, वॉर्म्स, एडवेयर और हैकर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम इन सबको ही, हैकर्स के अलावा सबको ही हम वायरस कह देते होते हैं कि जी वायरस आ गया, वायरस आ गया कंप्यूटर के अंदर। वायरस इज अ मलेशियस प्रोग्राम दैट हैज द एबिलिटी टू अटैच इटसेल्फ विद एनी अदर प्रोग्राम एंड मेक चेंजेस इन द कोड ऑफ इट्स होस्ट विच मे ऑल्टर इट्स वर्किंग ऑल टूगेदर। वायरस एक ऐसा मलेशियस प्रोग्राम है। मलेशियस कहते हैं जी मशकूक को, जिसके ऊपर शक हो। उसमें ये क्वालिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है और उसकी कोडिंग के अंदर, उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस के अंदर चेंज कर देता है, और जिसके अंदर वो मौजूद होता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे होस्ट क्या है, जब वायरस जो है इंसान के ऊपर भी इसी तरीके से काम कर रहा होता है ना। अगर आप बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर देखें तो किसी इंसान को वायरस लगता है तो उसके अंदर जो नॉर्मली रूटीन के अंदर करने वाले काम है वो करने के अंदर परेशानी हो जाती है, उसको फ्लू हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, ठीक है, आंखों के अंदर वायरस है तो देखा ठीक से नहीं जाता, कान में वायरस है तो
कान बहने लग गया या व्हाट्स एवर द प्रॉब्लम इज, आपके डेली रूटीन के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो उस तरीके से नहीं होते जैसे किए जाते हैं। इन द सेम वे अगर किसी कंप्यूटर के अंदर वायरस आएगा तो वो भी उसको डेली रूटीन ऑपरेशंस को ठीक से परफॉर्म नहीं करने देगा और उनके अंदर रुकावट पैदा करेगा, ये बिल्कुल ही हॉल्ट कर देगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जब वायरस कंप्यूटर के अंदर आता है। एज अ रिजल्ट द मॉडिफाइड प्रोग्राम कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो अब ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर वायरस आ चुका है वो ठीक से काम नहीं करता। अ वायरस कैन हार्म द कंप्यूटर इन द फॉलोइंग वेज। वायरस कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है जी, इट कैन डिस्ट्रॉय डाटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क बाय ईदर फॉर्मेटिंग इट विदाउट वार्निंग और बाय डिस्ट्रॉइंग सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वो नुकसान ऐसे करता है कि वो इसके अंदर कोई मजीद चीज एडिट कर देता है, मतलब उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर, उसके डाटा के अंदर चीज खराब कर देता है, वो डाटा ठीक नहीं रहता, या फिर वो उसका कोई एक आधा हिस्सा खराब कर देता है। जब एक आधा हिस्सा खराब हो जाता है तो वो चीज ठीक से पूरे तरीके से काम नहीं कर पाती। इट कैन चेंज द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क इफ द बूट सेक्टर ऑफ अ डिस्क इज अफेक्टेड आफ्टर विच द कंप्यूटर कैन नॉट बूट। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ बूट प्रोसेस। जब कंप्यूटर शुरू होता है तो उस प्रोसेस को जिसके अंदर वो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर से सारा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह उठा के अपनी रैम के अंदर रखता है, जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो शुरू में काफी कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है। इस वक्त कंप्यूटर तैयार हो रहा होता है कि इस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज अटैच हैं, ये सारे प्रोसेस को कहते हैं बूट प्रोसेस। तो वायरस क्या करता है, उसके बूट प्रोसेस के अंदर जाकर ऑल्ट्रेशन कर देता है। तो जब उसके बूट प्रोसेस में ही ऑल्ट्रेशन हो जाएगी, कंप्यूटर को यही नहीं पता होगा कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है या कौन सी हार्ड कौन कौन सी डिवाइस अंदर मौजूद है और कौन सी नहीं है। अगर इन्हीं चीजों में गड़बड़ हो जाएगी तो कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकेगा। द कंप्यूटर वायरसेस आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब जाहिर सी बात है कोई खुद तो वायरस को अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं रखता, तो ये खुद से आपकी मेन मेमोरी के अंदर चला जाता है, ऐसी मेमोरी जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल करता है अपने काम काज करने के लिए। एक मेमोरी होती है, अब ये सारे एक्चुअली जो टॉपिक्स है ना ये आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ने हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता जाता हूँ। मेन मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके ऊपर कंप्यूटर अपना काम करता है, और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर ऐसा डाटा रखा जाता है जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल करना हो, जिसकी हमें करंटली जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। तो मेन मेमोरी के अंदर वो खुद से अपने आप को लोड करवा लेता है एंड रिमेन इन द मेमोरी, और उस मेमोरी के अंदर ठहर जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी की जगह भी कम हो जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी कम हो जाती है और वो कंप्यूटर को खराब करता है। द वायरस कैन डिस्ट्रॉय बायोस ऑफ द कंप्यूटर। बायोस इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है, वो तमाम इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि बूट प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये बूट प्रोसेस को भी खराब कर देता है। ये आप लोगों की नई बुक है और इसके अंदर आप लोगों की डेफिनेशन और काफी ज्यादा चीजें चेंज हैं, पर मैं आपको वैसे आसान अल्फाज के अंदर बता देता हूं कि एक वायरस एक ऐसे मशकूक सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके अंदर ये ताकत होती है कि वो अपने आप को कंप्यूटर के अंदर मौजूद किसी भी सॉफ्टवेयर से अटैच कर लेता है और उसके अंदर चेंजेस ले आता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसकी वजह से कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता। ठीक हो गया। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि वो कहाँ कहाँ जाकर चेंजेस करता है, तो वो आपकी हार्ड डिस्क का कोई डाटा खराब कर सकता है या बिल्कुल उसके अंदर से कोई चेंजेस कर सकता है, या बूट प्रोसेस को चेंज कर देता है, या मेन मेमोरी के अंदर जाकर बैठ जाता है और कंप्यूटर को स्लो कर देता है। तो वैसे वैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है नई नई किस्म के वायरसेस आते रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वॉर्म को। अब वॉर्म और वायरस हमारे लिए, मैंने आपको कहा कि नॉर्मल रूटीन हम इन सबको वायरस ही कह रहे होते हैं, अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। वायरस क्या था, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं था, ठीक है। वॉर्म जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते हैं जो खुद से अपनी कॉपीज बनाता है। वायरस क्या करता था, ऑटोमेटिकली अपने आप को किसी प्रोग्राम से अटैच कर लेता था, कॉपीज नहीं बना रहा था। वॉर्म क्या कर रहा है, ये खुद से अपनी कॉपीज बनाता है, फिर इसको किसी एक कंप्यूटर की जरूरत भी नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम, किसी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। अ होस्ट प्रोग्राम इज द वन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू स्मॉलर और लेस कैपेबल प्रोग्राम्स और डिवाइसेस। इसको बड़े सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं होती जिसको इस्तेमाल करके वो अपने काम पूरे कर सके, ये खुद इतना कैपेबल होता है कि ये खुद से सारे काम कर लेता है। द प्रोग्राम क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ इट एंड कॉजेज इट टू एग्जीक्यूट। वो खुद से अपनी कॉपीज भी बनाता है और उनको चला भी लेता है। वायरस तो अपने आप को अटैच करता था और उनको गलती से हम लोग चला देते हैं,
इसको चलाना नहीं पड़ता, ये खुद चल भी जाता है। नो यूजर इंटरफेस इज रिक्वायर, इसके अंदर यूजर की जरूरत ही नहीं होती। वायरस के अंदर तो वो नाम तब्दील करके ना लिख देते होते हैं, तो खुद से कोई उनके ऊपर क्लिक कर लेता है तो वायरस चल पड़ता है। वॉर्म की दफा ऐसा मामला नहीं होता। वॉर्म्स आर नेम फॉर द वे दे मूव फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अब इसका नाम वॉर्म इसलिए है क्योंकि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में खुद ही चले जाते हैं नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। अब मैं आपको बताता चलूं, और ये आपका क्वेश्चन भी होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वॉर्म। ठीक है, दिस विल बी योर लेक्चर क्वेश्चन, जो होम टास्क है आपका। वॉर्म वायरस क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वायरस कहते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जो खुद से अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच करता है, और ऑटोमेटिकली अटैच करने के बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर देता है और हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद डाटा को या डिस्ट्रॉय कर देता है या मॉडिफाई कर देता है, मेन मेमोरी में चला जाता है और बायोस को खराब कर लेता है। ये निशानियां थी वायरस की। वॉर्म क्या करता है, वॉर्म को किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत, होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। ये खुद से अपनी कॉपीज भी बनाता है और अपने आप को एग्जीक्यूट भी करता है, और इसके साथ साथ नेटवर्क के ऊपर जाकर दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर भी खुद ही चला जाता है। दिस एक्शन गिव्स मेनी वॉर्म्स अ हाई स्पीड इन स्प्रेडिंग देमसेल्व्स। इस वजह से वॉर्म्स बहुत तेजी से फैलते हैं। इन जनरल टर्म्स अ वॉर्म इज अ प्रोग्राम दैट हैज द एबिलिटी टू कॉपी इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। आम हालात के अंदर वॉर्म ऐसे वायरस को कहा जाएगा, ऐसे थ्रेट को कहा जाएगा जो खुद से अपनी कॉपीज बनाकर नेटवर्क के ऊपर फैलता चला जाता है। अ वॉर्म कैन हार्म द कंप्यूटर इन द फॉलोइंग वेज। वॉर्म कैसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा, कंप्यूटर की वर्किंग को रिड्यूस कर देता है, मतलब स्पीड स्लो कर देता है। वायरस भी ये काम करता था, बाय कॉपिंग इटसेल्फ मेनी टाइम्स इट रिड्यूसेस द डिस्क स्पेस, और ये हार्ड डिस्क की स्पेस कम कर देता है बहुत ज्यादा। वो अपने आप को ही बना बना के कॉपीज कर करके कंप्यूटर में रखता जाएगा तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी। ठीक है जी, इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन बिटवीन वायरस एंड वॉर्म तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एट वेयर, ठीक है जी, वेयर से मुराद कोई सॉफ्टवेयर है और एड से मुराद एडवर्टिजमेंट है। ऐसा वायरस है ये बेसिकली जो कि एड्स बहुत ज्यादा आपको शो करता है। एडवेयर और एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज एंड डाउनलोड्स एडवर्टिजमेंट्स टू अ कंप्यूटर व्हेन द यूजर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं वहां पर ये वायरस मौजूद होता है और वहां से ये थ्रेट जो है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर को आपके ब्राउजर पे इंस्टॉल कर देता है कि आपको बहुत ज्यादा एड्स नजर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ज्यादा अनोइंग होता है ये। दीज एडवर्टीजमेंट्स कैन बी पॉपअप, मतलब करके पॉपअप करके सामने नजर आते हैं। दे मे ऑल्सो बी ऑन अ स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूजर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेयर इज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। ये बेसिकली एडवेयर का मकसद ये होता है कि जिन लोगों ने इसको बनाया होता है उन लोगों के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करता है, लाइक उनके कमाने का जरिया है। तो उनके कमाने का जरिया ऐसा होता है कि उन्होंने डिफरेंट कंपनी से कॉन्टेक्ट किया हुआ होता है कि हम आपका एड इतने लोगों तक पहुंचाएंगे और पर पर्सन वो चार्ज कर रहे होते हैं, और लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। ये वायरसेस की तरह उन सबके पास फैल रहा होता है और वो उनके पास इसके लिंक्स जा रहे होते हैं कि इतने लोगों ने ये देख लिया है, और उनको पर पर्सन पैसे मिल रहे होते हैं जबकि इस्तेमाल करने वाले इससे तंग हो रहे होते हैं। एडवेयर बाय इटसेल्फ इज हार्मलेस, इसका इसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं होता। हाउएवर सम एडवेयर में ऑल्सो कम विद इंटीग्रेटेड स्पाईवेयर विच कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब यहां पर इन्होंने एक और टर्म इस्तेमाल कर लिया, स्पाईवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी ये आ सकते हैं, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर जो कि आपका पासवर्ड देख सकते हैं, यूजर आईडीज देख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स उठा सकते हैं, ये भी नुकसान हो सकता है। उसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पसंद हैं, आप किन के एड्स सर्च करते हो, उस तरह के एड्स फिर आपको ज्यादा दिखाए जाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को जो कि आपकी तमाम वर्किंग को छुप के देख रहा होता है उसको कहते हैं स्पाईवेयर, तो जिसका काफी ज्यादा गलत इम्पैक्ट हो सकता है। नीचे इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है स्पाईवेयर की, अ स्पाईवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट गैदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर यूजर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज। वो उनको बगैर बताए ये सारा काम कर रहा होता है। ऑलराइट जी, एडवेयर का आप लोगों को आइडिया हो गया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हैकर। हैकर इज अ पर्सन, ये एक प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर से मुराद जो कि सॉफ्टवेयर बनाने वाला शख्स होता है,
ठीक है, मतलब उसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हु यूज देयर एक्सपर्टीज फॉर मलेशियस पर्पस, वो अपनी तमाम मेहनत को किधर इस्तेमाल कर रहा है, गलत कामों के अंदर. द टर्म नोटोरियस हैकर्स sometimes called crackers, और इसी तरीके से कुछ hackers को cracker भी कहा जाता है. Refer to those who break into computers without authorization. ऐसा hacker जो कि different tools वगैरह को इस्तेमाल करके किसी दूसरे के computer में बगैर इजाजत के चला जाता है, password तोड़कर या किसी भी तरीके से internet या wi-fi hack करके, तो उसको आप क्या कह रहे होते हैं, cracker, क्योंकि वो चीजें password securities को breach करके तोड़कर कहीं जा रहा होता है. मोस्टली हैकर्स ब्रेक इनटू सिस्टम्स बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल सेटिस्फेक्शन टू लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू आउटकम्स एंड थ्रेट्स दैट दे कैन कॉज टू अदर सिस्टम्स. बहुत ज्यादा हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ अपनी जाती खुशी के लिए लोगों के सिस्टम्स को खराब करते हैं और उसके अंदर जाकर चीजों को देखते हैं. करंट लॉसेस ड्यू टू हैकर्स अटैक्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द इनसाइड थेफ्ट एंड सब अटैच. जो ज्यादातर इनके नुकसानात होते हैं वो काफी ज्यादा हैकर्स के कम होते हैं जब ये किसी चीज को ब्रेक इन करते हैं कहीं पर, सिक्योरिटी को ब्रीच करके अंदर जाते हैं, पर जब ये उनमें से डाटा चोरी करते हैं और बाद में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनका ज्यादा नुकसान होता है. द हैकिंग प्रॉब्लम इज वाइड स्प्रेड एंड सीरियस, ये बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा हसास भी है. They get access to services without paying for them. They steal information for crime purposes. Hacker gets unauthorized access to data and system and damages it. इसके साथ साथ अब hackers क्या क्या कर रहे होते हैं, ये बहुत सी ऐसी services ले लेते हैं जो वो जिसका वो pay नहीं करते, ठीक है, मतलब कहीं से free delivery करवा लेंगे, किसी का बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर वहां से पैसे भी चोरी किए जा सकते हैं और इसी तरीके से ऐसी जगह से डाटा उठा लेते हैं जहां पर इनको जाने की इजाजत नहीं होती. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस के ये बेसिकली जो थ्रेट्स हैं आपके ये फैलते कैसे हैं. तो इनके चार मेन तरीके हैं फैलने के. एक ऐसी यूएसबी फ्लैश ड्राइव को इस्तेमाल करना जिसमें पहले से ही वायरस हो, थ्रू इन्फेक्टेड फ्लैश, इन्फेक्टेड से मुराद है जो कि पहले से वायरस वगैरह वॉर्म वगैरह जिसके अंदर मौजूद हो. किसी ईमेल अटैचमेंट के अंदर वायरस वगैरह आ सकता है. जब आप इंटरनेट को सर्फिंग से मुराद ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल रहे होते हैं बगैर ये सोचे कि ये वेबसाइट हमारे लिए सेफ है कि नहीं है. और चोरी के सॉफ्टवेयर्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके आप खरीद नहीं रहे हैं, आपको कोई नेट के ऊपर कहता है कि ये मेरा सॉफ्टवेयर फला फला सॉफ्टवेयर है, इतने हंड्रेड थाउजेंड्स का है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आप लालच के अंदर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर वायरसेस हो सकते हैं और अक्सर होते हैं. Alright जी, अब थोड़ी सी इनकी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करते हैं जस्ट इन केस हमने कुछ मिस किया हो. इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स, यूएसबीज, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आर वेरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन. हम इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी यूएसबीज, आई होप आप सबको पता होगा कि इसके अंदर हम अपना डाटा डालकर दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर देते हैं. दैट कैन बी इमेजेस और वीडियोस और टेक्सचुअल डाटा, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, ऑफिशियल डाटा हो सकता है. तो जब आप उसके अंदर वायरस होगा और अगर आप वायरस वाली यूएसबी को अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर भी आ जाएंगे. तो इट कैन डैमेज डाटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर एंड स्प्रेड द वायरस टू अदर ड्राइव्स और द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. ऑलवेज स्कैन अ फ्लैश ड्राइव बिफोर यूजिंग इट टू इंटू द कंप्यूटर, चूजिंग इट इंटू द कंप्यूटर. तो आपने हमेशा क्या करना है कि जब भी यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो पहले उसके स्कैन कर लेना, उसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है. उसको ये स्कैन करने के लिए हमें एंटीवायरसेस चाहिए होते हैं, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आ रहा है. देन द सेकेंड वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस इज ईमेल अटैचमेंट. आप लोगों ने काफी कम अभी तक इस्तेमाल की होंगी और अभी ये काम काफी ज्यादा कम होता जा रहा है. ईमेल अटैचमेंट्स, जब आपको ईमेल आती है किसी की तरफ से तो उसके साथ कोई अटैचमेंट हो सकती है, उस अटैचमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, तो उस अटैचमेंट के अंदर कोई आपको वायरस भी लगा के दे सकता है. कोई जरूरी तो, मतलब जाहिर सी बात है कोई आपका अपना जानने वाला तो ये काम नहीं करेगा, कोई ऐसा शख्स जो कि चाहता है कि लोगों के सिस्टम्स खराब हों वही ये काम कर रहे होते हैं. एन ईमेल अटैचमेंट इज अ कंप्यूटर फाइल सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज, के ईमेल के साथ आपको कोई चीज आती है साथ अटैच हुई भी होती है, इमेज वीडियो वगैरह, उसको कहते हैं ईमेल अटैचमेंट. तो ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स द ओनली वे यूजर कुड यूजुअली गेट अ कंप्यूटर वायरस वॉज बाय इंसर्टिंग एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क इनटू द कंप्यूटर. शुरू में ये होता था कि सिर्फ एक फ्लॉपी से ही, यूएसबी से काफी पहले हमारे पास फ्लॉपीज होती थी, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की.
तो फ्लॉपीज के अंदर सिर्फ वायरस आया करता था और कोई तरीकेकार नहीं होता था एक कंप्यूटर के अंदर वायरस डालने का. विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, जबकि जब इंटरनेट मार्केट के अंदर आ गया, नाउ कंप्यूटर वायरसेस हैव एन इजी वे टू गेट इनटू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एट वंस. अब इंटरनेट के थ्रू, जैसे हमने वॉर्म को पढ़ा है कि वो नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से अपने आप को फैला रहा होता है, तो इनके पास बहुत आसान तरीका आ गया कि वो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स के अंदर आसानी से चले जाए. वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे फॉर अ कंप्यूटर टू गेट इन्फेक्टेड इज वी ई मेल अटैचमेंट. मोर देन वन फाइल्स कैन बी अटैच्ड इन एन ई मेल. एक से ज्यादा फाइल्स अटैच की जा सकती है ई मेल के साथ. सम वायरसेज यूजुअली कम अटैच्ड टू द ई मेल्स, और ज्यादातर वायरसेस अटैचमेंट के अंदर साथ ही आते हैं. एज सुन एज द यूजर क्लिक ऑन द ई मेल अटैचमेंट, द वायरस इज डाउनलोडेड एंड द कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड. जैसे ही आप उसका खूबसूरत सा नाम देखकर या अट्रैक्टिव सा नाम, ऐसा नाम देख करके जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे कि अच्छा मैं इसको क्लिक करके देखूँ इसमें क्या है, तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो वायरस आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है. द फाइल शोन इन द फिगर 24 इज अ वायरस अटैचमेंट टू द ईमेल. अब ये ऊपर उन्होंने एक ईमेल अटैचमेंट दिखाई हुई है कि ये आई कैन नॉट रीड इट प्रॉपरली. abusist.zip करके कुछ यहाँ पर दिया हुआ है. डियर यूजर ऑफ, आगे कुछ है, योर अकाउंट हैज बीन यूज टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ जंक ईमेल मैसेज ड्यूरिंग वगैरह वगैरह वगैरह. ये इन्होंने हैव अ नाइस डे. तो किसी भी किस्म का वायरस हो सकता है, आप उसको क्लिक ना करें अंटिल अनलेस आपको कंफर्म ना हो कि ये क्या चीज है. उसके बाद है जी सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स. ये इस वक्त काफी इन है कि हम डिफरेंट वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारे पास www मौजूद है उसके ऊपर करोड़ों अरबों के लिहाज से वेबसाइट्स हैं, और उन वेबसाइट्स के अंदर से बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि गलत लोगों ने भी बनाई हुई हैं, तो वहां पर हमें नुकसान भी हो सकता है. दीज वेबसाइट्स ऑफर डाउनलोडिंग लिंक्स फॉर यूजफुल प्रोग्राम्स इंस्टॉलेशन. वहां पर हमारे पास काफी ज्यादा फायदेमंद लिंक्स भी मौजूद हो सकते हैं. व्हेन दीज प्रोग्राम्स आर डाउनलोडेड बाय दे ब्रिंग विद देम वायरसेस. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इन वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और उन वेबसाइट्स के ऊपर से हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा, कोई इमेज, कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं और वो सिक्योर वेबसाइट नहीं होती, तो क्या होता है कि उसके साथ हमारे पास वायरस भी हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है. द कंप्यूटर वायरसेस कैन नॉट ओनली कॉज सीरियस डैमेज टू मशीन, दे कैन ऑल्सो स्टील वैल्यूएबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट कुड हैव लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लाइफ एंड लाइवलीहुड. और वायरसेस जो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उससे आपके सिर्फ सॉफ्टवेयर खराब नहीं हो रहे होते, अगर आपका डाटा, आपकी बहुत ज्यादा प्राइवेट चीजें हैं लाइक आपके पर्सनल, आपकी तस्वीरें हैं और कोई टेलीफोन नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, तो इन सारी चीजों का भी नुकसान आपको पहुंच सकता है अगर ये गलत हाथों में सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. तो देन वी हैव इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर. पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपने खरीदा हुआ नहीं है, ठीक है. वैसे तो पायरेट्स कहते हैं हम बहरी कजाक को, मतलब जो लुटेरे होते हैं समंदर के ऊपर उनको कहा जाता है पायरेट्स. तो यहां पर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि चोरी का सॉफ्टवेयर है, चोरी से मराद ये है कि वो सॉफ्टवेयर आपने खरीदा हुआ नहीं है, किसी ने अपने लिए खरीदा था और वो अब आपको आगे बगैर कुछ पैसे, पैसों के दे रहा है किसी भी वजह से. उसका कोई भी उसमें मकसद हो सकता है, वो आपका जानने वाला हो सकता है, या वो कोई अपने पर्सनल गेन के लिए कर रहा है ये काम. तो ऐसे सॉफ्टवेयर को पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो लोग अपनी वेबसाइट्स को मशहूर करने के लिए वहां पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स रख लेते हैं, और इसी तरीके से ये लोग वहां पर वायरसेस को भी रख सकते हैं. और जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को वहां से इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वायरस आ जाता है. ओके जी, लेट्स रीड आउट. पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि लाइसेंस्ड है, मतलब प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जो कि गवर्नमेंट को शो किया गया है, और आप उसकी गलत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से कॉपी ले लेते हैं. इट इज अ क्राइम. ये एक जुर्म भी है कि आप पायरेट करें किसी सॉफ्टवेयर को. सच सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो अफेक्ट द कंप्यूटर, वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. दे मे कंटेन वायरसेस. जरूरी नहीं है कि उसमें वायरस हो, बट दे मे कंटेन वायरसेस और वॉर्म्स इन दैम. बाज़ औक़ात द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंटेंशनली इन्फेक्ट देम विद वायरस. तो वो क्या करते हैं, जानबूझकर उनके अंदर वायरस या वॉर्म डाल देते हैं ताकि फिर बाद में आप लोगों को एंटीवायरस चाहिए हो, ठीक है. तो वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस जब हम एंटीवायरस को डिस्कस करेंगे कि एंटीवायरस क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.